जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत ही आभार है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही और सकारात्मक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। उससे बात अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसका शुल्क फीस लागू है। अब पहली बात है कि बहुत से बार मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ, बहुत बार मैंने ये बातें बता चुका हूँ, बहुत ही बार इस चीज़ों को बहुत ही डिटेल में मैंने शेयर आपको किया है, लेकिन मुझे बार बार यही प्रश्न पूछी जाती है कि पंडित जी, भगवान की कृपा के क्या संकेत हैं, वो कौन कौन से संकेत हैं, हमें भी तो बताएं। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है तो इस वीडियो में आपको जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहली और मुख्य बात है जो अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि इस दुनिया के कण कण में, हर क्षण में उस ईश्वर की कृपा है। क्योंकि ये दुनिया जो चल रही है, पूरी जितनी भी पूरी कायनात चल रही है, पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, वो ईश्वर की कृपा से ही चल रहा है। हम सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी कृपा को, उसकी महिमा के बारे में, उसके बारे में जितना कहा जाए कम है दोस्तों। तो पहली और मुख्य बात अपने जीवन में और अपने दिमाग में हमेशा के लिए एक स्थायी रूप से ये सेट कर ले, खुद को समझा लें कि कुछ हो या न हो जीवन में, पर हम पर भगवान की कृपा जरूर 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 है, क्योंकि उसकी कृपा दृष्टि से ही तो हम यहाँ जी रहे हैं। लेकिन यहाँ जीने के बाद बहुत सारी परेशानियों को घड़ लेना, बहुत सारी जो बुनियादी परेशानी, ये सब मानव की निर्मित है, ईश्वर ने कोई परेशानी नहीं बनाई है। वो समय पर बारिश होती है, समय पर ठंड गिरती है, समय पर फल फूल सब समय पर आता है। इतनी परेशानी क्रिएटेड यहाँ की हुई है हमारी, मनुष्य की। इसलिए ईश्वर की पूर्ण कृपा को महसूस करें, एक महसूस करने का सब्जेक्ट है ये, भावनात्मक सब्जेक्ट है, और उसका जप करें, हर वक्त उसका नाम लें, चाहे कुछ हो या ना हो, अच्छा हो तो भी उसका जप करें, बुरा हो तो भी उसका नाम लें। यही इस जीवन का मूल मंत्र भी है और इस जीवन को जीने की सबसे बड़ी बात भी है दोस्तों, क्योंकि उसके जप मात्र से, उसके स्मरण मात्र से हमारे कई सारे पाप, हमारे कई सारी ऐसी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो सभी सही हो जाते हैं। और स्वतः ही आनंद, सुख, सुकून, जो जो एक मानवीय आधुनिक आवश्यकता है, वो तो स्वतः ही हमें मिल ही जाती है, और हम उससे और जो बौद्धिक स्तर, मन शांति का स्तर है, वो और ऊपर हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बड़ी बातें हैं, तो आप इस पर फोकस करें। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जितना आप जतन करते हैं उसके लिए, ये करते हैं, वो जो भी चीज़ें, वो सब आप करते रहें, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में बहुत ही शांति और सुकून से बिठा लें। हम मानते हैं कि हम पर ईश्वर की कृपा है, लेकिन हम कई बार इस बात को कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, ये इन सब चीज़ों को खत्म करें और पूर्ण यकीन के साथ नमः शिवाय कहें।